देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं सुइया पार का जहां चढ़ाव होता है। तो पीछे आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी जहां भी जगह देख रहे हैं हर जगह जो है कवरिया आपके रुके हुए हैं। और बहुत ही मतलब बोल सकते हैं ना कि हमें लगता है कि सावन से जो है अच्छा मौसम अभी लगता है, उतना धूप भी ज़्यादा नहीं रहता ना ही ज़्यादा गर्मी है और बहुत आराम से सब कवरिया चलते हैं। देख सकते हैं अभी मतलब कि एक नॉर्मल धूप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठंड भी रहता है। तो सभी कोई अपना जो है सामान वगैरह लेके आते हैं उड़ने के लिए जितना भी हो, और शायद जितने भी अभी कवरिया आते हैं मेरे ख्याल से मेरा सांस भी भूल जा रहा है इसे चल रहे हैं पैदल तो ही चढ़ाव में बोलते बोलते तो लगभग चार पाँच दिन का सब टारगेट रखते हैं कि हमको 4-5 दिन में पहुँचना है। तो लगभग समझे आप लोग कितने दिन में बाबा वैद्यनाथ धाम पहुँचते हैं? 5 दिन ना, एक दिन में कितना किलोमीटर? 15-20 30 किलोमीटर। कहाँ से आप लोग बम जी? दरभंगा से आए हैं ना। अभी जैसे कि 14 फरवरी को जल चढ़ाइएगा जी, और फिर वहाँ पे रुकते भी है ना? बस एक नाइट ना, 14 की नाइट में रुकेंगे। हाँ, 15 को फिर उधर से सिमरिया में स्नान करेंगे। अच्छा, फिर घर चले जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ तक सुइया पार आने कितना दिन लग गया यहाँ तक आने में? 3 दिन ना, तो बहुत आराम से आप लोग आते हैं क्या? अच्छा, आप लोगों का जो खाना पीना जो होता है फलाली पे आते हैं या ऐसे? दिन में फलाली रहते हैं। हाँ, नाइट में सब अपने मिल के बनाते हैं। हाँ, 100 आदमी का ग्रुप है। अच्छा, फिर सब साथ में खाते हैं। ओ, तो यहाँ देख सकते हैं 100 आदमी इस तरह ग्रुप करके सब आते हैं। आप लोगों के साथ गाड़ी भी होगा ना? गाड़ी भी है, गाड़ी दो तीन गाड़ी है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे जो इसमें बसंत पंचमी आने का क्या कारण है? सावन में भी आ सकते हैं? ये माघ का जो बम है ना, हाँ, वो स्पेशल मिथिलांचल से ही आता है जहाँ। ओ, मिथिलांचल से ना। कि ये जो किसान वर्ग का जो अपने अपने टाइम के हिसाब से जो है, हाँ, सावन में जिसको टाइम मिलता है वो, हाँ, सावन में, भादव में जिसको मिलता है वो भादव में, आसिन में, और ये माघ में। माघ का जो है ना बहुत माने हठ योग होता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अच्छा, नियम निष्ठा बहुत होता है इसमें, करना पड़ता है। हाँ, क्या क्या नियम है इसमें लगभग? जैसे बहुत कुछ नियम है, जितना पालन संभव तो नहीं होता है। हाँ, लेकिन कोशिश रहता है जो उतना हो सके। हाँ, अगर कोई माघ में आना चाहेगा तो उनको क्या क्या नियम पालन करना पड़ेगा? बहुत कुछ है, अब नियम कैसे चलना है, क्या चीज को क्या बोलना है। अच्छा, कैसे खाना खाना है, कैसे पानी पीना है, कैसे टॉयलेट बाथरूम जाना है, सबका नाम भी अलग है। अच्छा, वो सब कुछ वही नाम से बोलना है। हाँ, यही सब है। अच्छा, और एक चीज और हम जानते बोलता है कि जैसे कि अभी जो माघ में जो चल आते हैं जल चढ़ाने के लिए, ये सब ये भी बोलते हैं कि जितना भी मिथिलांचल वाले हैं बाबा को अपना जीजा मानते हैं और उसी के साथ होली खेलने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं सुनने में आया। हाँ, लेकिन है जो कि मिथिलांचल का जो है ना, उनका स्पेशल माघ का रहता है, जो भी किसान वर्ग है वो सब फ्री टाइम मिलता है टाइम। अच्छा, क्योंकि अभी एक महीने के बाद फिर गेहूँ कटने का सीजन हो जाएगा, तो अभी फ्री रहता है और इस टाइम में जो है ये लोग स्पेशल आते हैं। चलिए, थैंक यू बम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। बोल बम, बोल बम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थे हमारे जो बताएं आपको मिथिलांचल के सारे बम अभी चल रहे हैं, जिन्होंने बताया कि माघ महीना में हर एक वर्ष ये सब आते हैं और लगभग 4-5 दिन का टारगेट रहते हैं कि 4-5 दिन में हम लोग को बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचना है। तो पहुंच ही जाते हैं और वहां पे रुकते हैं। बम जी, यहां पे कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं देख रहा था आपको ब्लॉगिंग कर रहे हो। अच्छा, आप कहाँ से बम जी? हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए। एक्चुअली मेरा जो है ना ये ब्लॉग स्पेशली ये इस पद से रिलेटेड ही रहता है। अच्छा, अभी क्रिएशन पे जाइएगा तो 12 मस मतलब कि हमारा यहाँ चलते रहता है। अच्छा, कौन सा चैनल है आपका? अभी क्रिएशंस। अभी क्रिएशन। तो आप भी माघ में आते हैं या सावन में भी आते हैं? मैं माघ में ही आता हूँ, सावन में कभी नहीं आया। हाँ, और मैं बाबा की दया से 17-18 साल से आ रहा हूँ। 17-18 साल से? 17-18 साल मेरे को हो गया लगभग ना। और अकेले हैं कि और भी आपके टीम में? हमारी टीम में तकरीबन 180 आदमी है। 180 आदमी मंगोलपुरी से ही आते हैं सारे। ओ, गाड़ी होगा आप लोगों का? गाड़ी से ही आते हैं। हाँ जी, गाड़ी से ही आते हैं, ट्रक है। ओ, ट्रक, ना। ट्रक से ही आते हैं हम लोग। अच्छा, 180 आदमी। तो अभी मतलब कि किसी तरह का दिक्कत होता है कि अभी चलने में? दिक्कत होता ही है, अब जैसे अब
ये धूप आ रही है बहुत ज्यादा, धूप से दिक्कत होती है, गर्मी से दिक्कत होती है, और पैरों का तो आपको पता ही है चलते हुए। अभी जैसे कि बालू वगैरह नहीं मिलता है सावन में, बालू से तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही कंकड़ वंकड़ है वो चुभते हैं पैरों में। वही तो बोले ना, जैसे कि बालू गिरा रहता तो कंकड़ आपके चुभते नहीं, चुभते नहीं। और अभी जैसे बालू, जैसे कि सावन में जो है ना, कम से कम इसका जो है थिकनेस इतना मोटाई होता है, ज्यादा होता है, जिससे कि बालू गिरा दिया जाता है। ठीक है, बाकी बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा से चल रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ले जाने वाले वो है, उनका नाम जपते रहते हैं, चलते रहते हैं जी। थैंक यू बम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिल्ली से भी बम्मा आए हुए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा बम्मों से बात करके। और चलिए आगे मिलते हैं। ये था हमारा, मैंने आपको दिखाया सुइया पहाड़ का कैसा था, बोल बम बोल बम। इससे इधर भी कुछ रुके हुए हैं, ये साइड भी, हर साइड जो है ना आपको बम ही बम देखने को मिलेगा, मतलब कि सावन वाला फील होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।